वापिस श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने दिया बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष के सर्वे न कराने की मांग को किया खारिज। कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे। अजय मिश्रा के साथ दो सहायक कमिश्नर लगाए गए हैं, विशाल सिंह और अजय प्रताप होंगे सहायक कमिश्नर। शासन और प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी, पूरे इलाके की वीडियोग्राफी भी होगी। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश। 17 मई से पहले सर्वे का काम करना होगा पूरा। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा सर्वे का काम। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सर्वे का विरोध और काम में रुकावट पैदा करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। पक्षकारों के सहयोग नहीं देने पर भी जारी रहेगा सर्वे। सर्वे की कार्रवाई के दौरान अगर दोनों में से एक कोर्ट कमिश्नर एब्सेंट रहता है तब भी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के मदरसों में अब जरूरी होगा राष्ट्रगान। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया आदेश। सुबह क्लास शुरू होने से पहले होगा राष्ट्रगान। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यवस्था का मजाक न बनाएं। बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की थी याचिका। यूपी के मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने दिया आदेश। अब मदरसों में दुआओं के साथ राष्ट्रगान भी होगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका। चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक वाली मांग खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया। कानपुर में सरकारी जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व की टीम को महिला ने चप्पल लेकर दौड़ाया। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को शांत कराया। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के बेटे सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। मंत्री का ड्राइवर भी सुरक्षित है। बाइक को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरी कार। ब्लॉक प्रमुख है कैबिनेट मंत्री के बेटे दुष्यंत। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। चोपता ओखीमठ कुंड मोटर मार्ग संसारी के पास हुआ ध्वस्त। मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर निकले सीएम योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और दानिश आजाद। शहर की गंदगी पर मंत्री जी ने लगाई फटकार। सैनिटरी इंस्पेक्टर का 2 दिन का वेतन रोकने के आदेश। यहाँ के लोग अगर बीमार होंगे तो इसे जहाँ जहाँ गए हैं वो साफ होना चाहिए। इसमें गैंग लगवा के इसको साफ करवाओ। समझ गए नहीं? हाँ, हम पूछवाएंगे तो हमें रिपोर्ट 3 दिन के बाद बना दीजिए। 3 दिन के बाद हमें रिपोर्ट चाहिए कि क्या हुआ यहाँ। गाजियाबाद में नहीं रुक रही चेन स्नेचिंग की वारदात। इंदिरापुरम में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से बदमाश चेन छीन कर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद आरोपी। हरदोई में आपस में भिड़े कई लोग। मामूली विवाद के बाद पहले हुई गाली गलौट और फिर हुई मारपीट। काफी देर तक होता रहा हंगामा। वीडियो वायरल। कछोना कोतवाली के मोहल्ला रेलवेगंज का मामला। फिर सुर्खियों में गाजियाबाद की बुलेट रानी बाइक पर स्टंट के कुछ और वीडियो वायरल। पुलिस ने बुलेट रानी को दी चेतावनी। स्टंट वाले वीडियो बनाकर अपलोड नहीं करने की चेतावनी। गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड बना है स्टंटबाजों का अड्डा। रोड पर स्टंटबाजी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथ में डंडा लेकर कार की डिग्गी पर बैठा युवक। सीतापुर में 2 साल से फरियाद करते करते थक चुका शख्स पेड़ पर चढ़ा। लेखपाल पर काम न करने का आरोप। 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा था शख्स। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने उतारा।